सुप्रभात बच्चों, मैं पूजा मिश्रा अपनी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है या भाषा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। ये कक्षा वन की व्याकरण की किताब है जिसका पहला अध्याय है भाषा। पढ़िए और समझिए। आज कौन सा खेल खेलेंगे? चलो खेलने चलें। छुपन छुपाई खेलें। ऊपर दिए गए चित्रों में बच्चे आपस में बोलकर और सुनकर एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। बच्चों, हम बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात पढ़कर या सुनकर समझ सकते हैं, यही तो भाषा है। सोचो, अगर हम बोल नहीं पाते, हमारे पास भाषा नहीं होती तो क्या होता? ऊपर दिए गए चित्रों के पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि मेंढक टर टर कर रहा है, पर बालक उसे नहीं समझ पा रहा है। बालक क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि बालक को मेंढक की भाषा नहीं आती है, इसलिए बालक सुनने और समझने की कोशिश कर रहा है पर समझ नहीं पा रहा है। दूसरे चित्र में गूंगी लड़की बोलना चाह रही है पर बोल नहीं पा रही है। क्यों नहीं बोल पा रही? यहाँ गूंगी लड़की अपनी बात को कुछ कहना चाह रही है पर ये समझ नहीं पा रही। क्यों नहीं समझ पा रही? क्योंकि ये बोल नहीं पा रही है ना, तो बोलेगी नहीं तो वो समझेगी कैसे। तीसरे चित्र में कन्नड़ भाषा में कुछ लिखा है पर लड़की को वह भाषा नहीं आती है और वह समझ नहीं पा रही। यहाँ आप देख रहे हैं बोर्ड पे कन्नड़ भाषा में कुछ लिखा हुआ है और यह लड़की पढ़ के समझने की कोशिश कर रही है लेकिन समझ नहीं पा रही। क्यों नहीं समझ पा रही? क्योंकि उसे कन्नड़ भाषा नहीं आती है। आओ जाने, भाषा के बिना हमारा जीवन बेमतलब होता है। तब हम ना मम्मी से खिलौने लेने के लिए कहते हैं और ना आइसक्रीम के लिए जिद करते हैं। आइए जानते हैं भाषा के स्वरूप। भाषा के कितने स्वरूप हैं या भाषा के कितने प्रकार हैं? तो भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार है। भाषा के दो प्रकार हैं। पहले क्या है? मौखिक, मतलब बोलकर, और दूसरी भाषा है लिखित, मतलब लिखकर। एक बच्चा बोल रहा है तथा दूसरे बच्चे उसे सुनकर समझ रहे हैं, यह है मौखिक भाषा, यानी मुख से बोला हुआ। यहाँ और दो बच्चे उसकी बात को सुन करके समझ रहे हैं, ये कौन सी भाषा है? ये मौखिक भाषा है। आप यहाँ देख रहे हैं अध्यापिका लिख रही हैं और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं, यह लिखित भाषा है। लिखित यानी लिखा हुआ। यहाँ अध्यापिका लिख रही हैं और बच्चे लिखकर देख करके उसको समझ रहे हैं। लिखित भाषा में हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे यहाँ अध्यापिका लिख करके अपनी बात बच्चों तक पहुंचा रही है और बच्चे उसे पढ़ करके समझ रहे हैं। बच्चों, जीव जंतुओं की भी अपनी कुछ बोलियां हैं, आइए देखें किसकी कौन सी बोली है। जैसे यहाँ तोता, तोता कैसे बोलता है? टाँ टाँ, उसकी अपनी भाषा है। जैसे यहाँ बिल्ली है, बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊं म्याऊं, आपके घर में होती है ना। यहाँ देखिए कौवा, कौवा कैसे बोलता है? काँव काँव। कुत्ता, कुत्ता कैसे भौंकता है? भौं भौं। इसी प्रकार कोयल कूकती है, कबूतर गुटुर गू करता है, हाथी चिहाड़ता है, शेर दहाड़ता है, चिड़िया चींची करती है, गाय रंभाती है। आपने देखा कि अलग अलग जीवों की बोलियाँ भी अलग अलग होती हैं, लेकिन संसार के सभी जीव जंतुओं की में मनुष्य की भाषा सबसे स्पष्ट है। तो आप समझ गए होंगे कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा की हमें आवश्यकता क्यों हुई। अपने भाव या विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता हुई। आपको समझ में आ गया? अब हम अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।